तो गाइस जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा पोस्टर का कंपोजिशन पूरा रेडी है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जैसे हम काम करते जाएंगे, हर एक लेयर के बारे में आपको समझ में आता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे एनिमेशन करना है, ये मेरे दो टेक्स्ट लेयर है, उसे मुझे यहाँ पे एनिमेट करना है। तो हम इन दोनों को सोलो कर देते हैं और हमारे बैकग्राउंड को भी मैं यहाँ पे सोलो रखता हूँ। अब मुझे इसको एनिमेशन करने के लिए दोनों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे मेरा पोजिशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ और यहाँ पे दोनों को मैं की दे देता हूँ। चलते हैं हम लोग 1 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे, और 1 सेकेंड पे आने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ आने के बाद वापस हम पोजीशन का की अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मोशन देना है। तो मैं स्टार्टिंग में इसको मोशन दे देता हूँ कुछ इस हिसाब से। ओके, ये वाला है तो हम इसको राउंड साइड यहाँ पे मोशन देंगे ताकि ये वाला फोन प्रॉपरली रिव्यू हो, और नीचे वाले हम मोशन कुछ इस तरफ से दे रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ इस हिसाब से रिवील होगा। तो ये हो गया है। अब वापस चले जाएंगे 2 सेकंड के ऊपर यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, तो सीधा सीधा 2 सेकंड तो जंप हो जाओगे। मैं क्या करूंगा, इस स्क्रीन को यही डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इन चीज को कॉपी कर लेंगे, Ctrl C एंड Ctrl V, Ctrl Z सॉरी। आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेयर का की लेकर अप्लाई करना पड़ेगा। तो Ctrl C Ctrl V यहाँ पे हो गया, और वापस क्या करेंगे, Cl V, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब लास्ट वाले के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से भी सेम करेंगे, Ctrl C एंड Ctrl V, और ये वाले को भी Ctrl C एंड Ctrl V। तो भाई हमारा ये वाला पोर्शन क्या हो चुका है, अभी एनिमेट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि जो हमारा गर्ल का लेयर है यहाँ पे, ये वाला जो लेयर है इसको हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिवील करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज दिखा दूं, मैंने क्या किया, गर्ल का हाथ यहाँ पे मास्क आउट करके रखा हुआ है, क्योंकि जो अभी स्टार्टिंग में अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रही है, दो स्ट्रिप्स आपको नजर में, आपने थंबनेल के ऊपर भी देखी थी, वही दो स्ट्रिप्स हमें क्या करनी है, इसके हाथ के नीचे रखना है। तो ये इमेज है, तो मैंने क्या किया है, इस गर्ल वाले लेयर को हैंड को मास्क आउट किया और उसके ऊपर शेडो अप्लाई कर दिया, ताकि जो स्ट्रिप नीचे आएगी वो जनरेट करे कि हाथ उसके आगे है। तो यहाँ पे इन दोनों को भी पोजीशन देना है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे की देते हैं, और सेम चीज यहाँ पे मैं के प्रेस करूंगा ताकि ये आगे की तरफ, सॉरी हमको कहाँ पे जाना है, इसका प्रॉपर्टी ओपन रखना है ताकि ये समझ में आए। तो वापस में जे प्रेस करते हुए यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे की दे देंगे, इसको भी हम यहाँ पे की दे देंगे, और इन दोनों का पोजीशन क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इनका पोजीशन हल्का सा क्या करते हैं, कुछ इस हिसाब से चेंज करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने कर दिया है। वापस क्या करेंगे, आगे जाएंगे नेक्स्ट वाली की फ्रेम के ऊपर, और सेम प्रोसीजर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर, सॉरी अगेन इंडिविजुअल लेयर, ये आफ्टर इफेक्ट को थोड़ा चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही दिक्कत देता है समटाइम्स। ओके ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट की फ्रेम पे आ गए, और क्या करेंगे भाई, ये वाला की कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम चीज यहाँ से भी कॉपी करके हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो भाई ये भी हमारा एनिमेट हो चुका है। एंड वन मोर थिंग नोटिस, यहाँ पे मैं किसी भी तरह की लीनियर केस को इजी इसमें कन्वर्ट नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं ग्राफ एडिट करने वाला हूँ। मैंने ऐसे ही 3 बैनर एक अच्छी और बड़ी ब्रांड के लिए, जिसके ऑलमोस्ट 3 बड़े शोरूम्स, बड़े मॉल्स के अंदर अच्छे खासे शोरूम्स के आउटलेट और वहां पे डिजिटल बैनर के लिए मैंने ऐसे कुछ पोस्टर्स बनाए थे अभी अभी रिसेंटली, एंड मुझे अच्छे खासे पैसे मिले हैं 3ों पोस्टर्स के लिए। सो वही आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें से एक सिंपल सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपके लिए बहुत यूजफुल होगा आप अगर इसको क्रिएटिवली यूज करते हो। अब उसके बाद मेरे पास 3 चीजें हैं, तो मैं इनको भी रिव्यू करता हूँ। जो है मेरा नीचे वीकेंड सेल का एक टैग है बराबर, तो यहाँ पे कुछ एरोस बने हुए हैं और एक बॉक्स है और ऊपर वीकेंड सेल लिखा हुआ है। तो पहला काम क्या करना है, मुझे ये वाला और ये वाला दोनों यूज करना है। मैं पोजीशन दोनों का शिफ्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको कीज दे दिया है। चलते हैं हम लोग आगे यहाँ पे 1 सेकंड के ऊपर, और वापस क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको कीज दे देते हैं। चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और दोनों को क्या कर देंगे, हम यहाँ से आउट कर देते हैं, कंपोजिशन से हम बाहर निकाल देते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। अब आगे जा रहे, जब यहाँ पे पहुंचेंगे, तो उससे पहले मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा टेक्स वाला लेयर है, उसे मुझे ये जो मेरा वीकेंड वाला मैट है या बॉक्स है उसके ऊपर, रेक्टेंगल है उसके ऊपर एज ए मैट अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं इसको अल्फा मैट कर दूंगा, ताकि क्या होगा, जैसे जैसे अंदर आएगा मेरा टेक्स्ट कुछ इस हिसाब से रिवील हो जाएगा और बॉक्स गायब हो जाएगा। तो ये भी हमारा एनिमेशन यहाँ पे हो चुका है। अब आने के बाद एट द एंड तक ये क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई भी मोशन मैंने दिया नहीं है। उसके बाद आता है भाई हमारा ये वाला लेयर, तो यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इनको भी यहाँ पे रिवील कर लेते हैं। अब इसको भी मुझे मोशन देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करें, इनकी भी पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, बट मुझे पोजीशन किसको देना है, इन दोनों को देना है। तो इनकी पोजीशन कीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, और आगे चला जाता हूँ यहाँ पे, और इसकी भी कीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ।
ठीक है, और इनकी पहली 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर इन दोनों की पोजीशन मुझे शिफ्ट करनी है, तो दोनों लेयर को पहले सिलेक्ट कर लो और फिर क्या करेंगे, इनकी पोजीशन हम यहाँ से आउट कर देंगे, थोड़ा पीछे ले रहा हूं मैं उनको। ओके डन। अब ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये उसका मैं स्केल प्रॉपर्टी एनिमेट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसको स्केल का की दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब 1 सेकंड के ऊपर वापस वहां पे भी की दे देते हैं, चले आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख लो मैंने एंकर पॉइंट जिसका इस तरफ शिफ्ट किया कंपोजिशन की आउट की तरफ, ताकि यहाँ से स्केल अप होते हुए दिखे ना कि सेंटर से। तो यहाँ पे उसका जो एक्स एक्सिस में स्केल वैल्यू है वो मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो ये भी हमारा अभी यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब बाकी रहा एक मेरा लोगो है यहाँ पे जिसको रिव्यू करते हैं, जिसको मैं एनिमेट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये स्टार्ट टू एंड एज इट इज मेरे कंपोजिशन में दिखने वाला है। अब आता है हमारा मेन पार्ट एनिमेशन का, जो फैशन वेयर का आपने स्ट्रिप देखा अभी और थंबनेल के ऊपर, बिल्कुल वही 3D लुक स्ट्रिप हमें क्रिएट करना वाला है, जिसके अंदर हम किसी भी लेयर को 3D में कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं, फिर भी वो हम वो इफेक्ट अच्छे से जनरेट करेंगे गाइज। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। हमने पिछले 2 महीने में मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल की कम्युनिटी को 208 तक पहुंचाया है, प्लस 10,000 व्यूज भी हमने 10,000 व्यूज भी हमने पाए हैं। सो थैंक यू सो मच। और उससे भी बेटर चीज गाइज, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारी व्यूअर्स की एज रेंज जो है 25 to 44 के बीच में है। जैसे हम कहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स जो शेयर करता है टिप्स एंड ट्रिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, वो फ्रीलांसर्स के लिए या फिर एम्प्लॉयर्स के लिए जो मोशन ग्राफिक्स एम्प्लॉय उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। तो ये जनरेशन ऑलमोस्ट अर्निंग जनरेशन है और उनके लिए हम बहुत ही यूजफुल प्रूव हो रहे हैं। सो अगेन हमें भी बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है आप लोगों से, तो यही प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, और अपने जो भी इश्यूज हो आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, और अच्छे से हमको एप्रिशिएशन भी दे सकते हो गाइस। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब एक नया कंपोजिशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारे स्ट्रिप्स को क्रिएट करने के लिए। तो जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड एंड, तो यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ ये कंपोजिशन का साइज रखा है 190x100। आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो। लेट्स अप्लाई द 50, यहाँ पे 50 अप्लाई करते हैं, 50 बहुत कम हो जाएगा, 70 करते हैं यहाँ पे। मैंने 70 यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इसका ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 4 हमारा ये था, तो 5 सेकंड्स यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ड्यूरेशन को। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 3D फेक 3D टेक्स्ट स्ट्रिप, तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और इसको हम क्या कर देते हैं ओके कर देते हैं, तो हमारा एक नया कंपोजिशन अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देंगे और मेरा जो फॉन्ट है वो है फैशन, साइज थोड़ा छोटा करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। वापस इसको लगा देते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट को और यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ इसको। अब क्या करना है, कंट्रोल वाई करके सॉलिड क्रिएट करेंगे और इसका शेड मैं दे देता हूँ व्हाइट कलर, तो ये मैंने यहाँ पे ओके कर देना है। ओके, अब इसको क्या करना है, नीचे की तरफ लेके जाना है। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स का ट्यूटोरियल बनाया है जो हम फ्रीलांसर्स और नॉर्मल इंडस्ट्री के आर्टिस्ट इसको रेगुलरली अपने वर्कफ्लो के अंदर यूज करते हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ये आपके लिए बिगिनर्स हो या फ्रीलांसर्स हो या इंटरमीडिएट हो, सबके लिए बहुत यूजफुल होगा, तो जरूर जाके पूरा ट्यूटोरियल देखिएगा। तो अब ये यहाँ पे नीचे आ चुका है, इसको मैं थोड़ा फूल कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है, इसको आप चाहो तो थोड़ा और भी छोटा कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, पर अभी मैं इसके साथ मेन फोकस में नहीं है, तो आप चाहे तो कर लेना। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले राइट क्लिक करना है और मैं यहाँ पे इसको या फिर पहले डुप्लीकेट ही कर लेते हैं क्योंकि 2 हमें स्ट्रिप क्रिएट करने हैं, पर यहाँ पे इसका वर्ड में टाइप कर देता हूँ WEAR, ये वेयर हो गया, और इसको भी हम लोग यहाँ पे हाइड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करके इसका एंटर पॉइंट सबसे पहले सेंटर में कर लेंगे और दूसरा बात उसको भी क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा क्योंकि फोन का वैल्यू चेंज हुआ था, तो ये भी हो गया। इसको पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट, सेम चीज इसके साथ भी करना है, राइट क्लिक क्रिएट एंड क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये हो गया, दोनों टेक्स्ट लेयर को हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके डन। अब मैं वेयर वाले ऑप्शन को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, जो मेरा फैशन वाला यहाँ पे है मैं उसको यहाँ पे रिव्यू रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे जाना है, एड में जाना है और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ रिपीटर, क्योंकि रिपीटर अप्लाई करने के बाद रिपीटर में जाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी कॉपीज को अप्लाई कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 20 कॉपीज में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म रिपीटर के अंदर, जो उसका पोजीशन है एक्स एक्सिस में वो हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। आपको 2 वर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस
रखना है वो आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ इस हिसाब से डिस्टेंस रखा हुआ है। अब चलते हैं वापस इसी लेयर की फेशन आउटलाइन वाली शेप टेक्स्ट लेयर की या शेप लेयर की पोजीशन प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं और मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टच कर दूंगा। अब थोड़ा पोजीशन इसका बाहर निकालेंगे, उसके लिए करना क्या है मुझे एक वर्ड को, एक फैशन वाले वर्ड को प्रॉपर सेंटर में रखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, और जो मेरा एफ ए एस एच, ओके देखो यहाँ पे वर्डिंग में दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये आप समझ लेना, एस मेरा मैं खा गया हूँ भूख लगी तो, बट दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इसको यही समझ लेंगे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया है, सेंटर में आ गया है प्रॉपर मेरे कंपोजिशन के। तब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, इसको हाइड करते टाइटल एक्स्ट्रा शेप को। अब इसका पोजिशन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस लेयर का और लास्ट की फ्रेम के ऊपर चले जाएंगे और उसका पोजिशन वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ इस तरफ को शिफ्ट कर रहा हूँ बराबर। तो ये आप अपने हिसाब से जितना स्पीड में चाहिए जितना स्लो में चाहिए, लेटर ऑन भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो मैं कुछ इस हिसाब से इसको चेंज करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया इतना। अब सेम चीज क्या करेंगे इसके साथ करेंगे, बट इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो जीरो नंबर की फ्रेम के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ओपन करते हैं इसको और इसको हाइड कर देते हैं हम लोग। इसका जो रिपीटर हमने अप्लाई किया था कंटेंट के अंदर चलते हैं और जो रिपीटर इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे गाइस। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेयर आउटलाइन वाला लेयर है उसके ऊपर उसको पेस्ट कर देंगे। तो देखो ये यहाँ पे आ चुका है, अब वापस वही चीज के यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया है, तो उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। तो वापस चलते हैं रिपीटर के अंदर और यहाँ पे क्या करेंगे ट्रांसफर रिपीटर के अंदर इसका जो पोजिशन है वैल्यू है ट्रांसफर रिपीटर के अंदर वो कम कर देंगे। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसके अंदर चेंजेस कर लेना है। वापस इसका ही क्या करेंगे इसको अलाइन कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसका पोजीशन यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग ऑलमोस्ट एंड के ऊपर और इसका वापस मैं क्या करता हूँ सेम चीज जैसे हमने अभी किया था, इसको क्या कर रहे हैं इस तरफ एनिमेट कर रहे हैं पोजिशन को इसकी। तो मैं इसको एनिमेट कर देता हूँ, ओके। अब क्या कर रहा हूँ इन दोनों को मैं वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे और चलता हूँ कहाँ पे जाएंगे हम लोग की फ्रेम असिस्टेंट में और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ टाइम रिवर्स की फ्रेम, ठीक है ना। तो दोनों के डिरेक्शन उल्टे रहेंगे एनिमेट होने के लिए। अब उसके बाद जो मेन काम करना है मैं एक नया सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ और उसका शेड जो मैं अप्लाई करूंगा ब्लैक है, क्योंकि हमने जो बोला था कि इसको एज ए 3D स्वीप एक रिंग जो रहता है टेक्स्ट का वैसा कुछ जनरेट करना है और हमने ये भी तय किया था हम किसी भी लेयर को 3D में कन्वर्ट किए बिना इसका काम करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है इस ब्लैक सॉलिड लेयर को सिलेक्टेड रखना है और यहाँ से रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करना है और एक मास जनरेट करके हमें ग्रेडियंट का इफेक्ट क्रिएट करना है ताकि हमें 3D लुक मिल सके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड। क्या करना है आपको बस मास्क ड्रॉ कर देना है कुछ इस हिसाब से। अब आपको जैसा चाहिए वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो गाइस, जितना आपको लेंथ चाहिए। अब इसका मैं फेदर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्स एक्सिस में ही क्या करूंगा मैं फेदर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा कुछ फेदर इस हिसाब से अप्लाई हो गया है, ठीक है ना। ये बेटर यहाँ पे मुझे टेक्स्ट विजिबल नहीं होनी चाहिए उतना मेरे को ध्यान में रखना है। अब सेम चीज क्या करूंगा मैं इस तरफ भी एक मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, आपने मास्क ड्रॉ कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं इसका भी फेदर ओपन करना है मुझे और यहाँ पे भी हम किस में करेंगे एक्स एक्सिस में फेदर अप्लाई करेंगे। वहां पे ये भी मेरा कुछ हिसाब से बन चुका है सेम। अभी इसको अगर मैं हाइड कर देता हूँ वेयर को और अगर मैं फैशन को ओपन कर लू तो देखो वो भी सेम तरीके से रेडी हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें दोनों अलग अलग स्ट्रिप के ऊपर चाहिए तो स्मार्ट वे पे काम करेंगे। पहले चले जाते हैं यहाँ पे मेन कंपोजिशन के अंदर और हमें क्या करना है जो हमारा फेक स्ट्रिंग्स जो है जो ये कंपोजिशन में क्रिएट किया हम उसको मेन पॉम्प में लेके आते हैं सबसे पहले। अब क्या करना है इसको नीचे लेके जाना है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कहाँ चाहिए मुझे गर्ल के हैंड के नीचे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लाके देखो इसको रख दिया है और ये प्रॉपरली सेट हो गया। अब आपको चाहिए तो इसका स्केल का साइज भी आप क्या कर सकते हो, बहुत अगर छोटा लग रहा है तो आप थोड़ा बढ़ा दो स्केल साइज। तो मैंने स्केल साइज यहाँ पे क्या करने है थोड़ा इंक्रीज कर देना है और इसका कंपोजिशन में क्या कर दूँ यहाँ पे फुल कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। प्लस इसका पोजीशन चेंज करना हमें क्या करना है उसको हाथ के नीचे ले जाके रखना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमें लगे कि हाँ भाई एक इफेक्ट मिल जाए हमें बेटर तरीके से। तो भाई ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है बेटर तरीके से रेडी हो चुका है। अब क्या करना था भाई वापस से वो वाला कैसे लाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाके ऐसा करूं कि भाई वेयर रिवील कर दूं और ये हाइड कर दूं तो सेम चीज हो जाएगा। अगर डुप्लीकेट कॉम्पोजिशन को करूंगा और फिर भी ये तो सेम कॉपी ही कर लेगा। तो उसका स्मार्ट वे क्या है और ये आज का टिप है, अगर कोई बिगिनर है या इंटरमीडिएट भी है जिसे ये चीज पता नहीं तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो हमें करना क्या है गाइस यहाँ पे वापस मैं क्या करता हूँ इसको ऑफ कर देता हूँ और फैशन को ऑन रखता हूँ, ठीक है। तो ये पहला वाला क्योंकि हमने पोजिशन शिफ्ट करके रखा हुआ है।
अब क्या करेंगे, इसी फॉर्म को हम यहाँ पे कंपोजिशन प्रोजेक्ट पैनल में डुप्लीकेट कर देंगे। प्रोजेक्ट पैनल में डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे, हम वापस उसको लाके रख देंगे, हमारा जो सॉरी हैंड वाला लेयर के नीचे हमने रखा था उसके साथ हम उसको शिफ्ट कर देंगे। अब सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ एक्वा के अंदर, ताकि मुझे हरेक का लेयरिंग पता चले। आप देखो मैंने प्रॉपर तरीके से हरेक को लेबल देके रखे और हरेक का शेप चेंज करके रखा हुआ है। तो ये आपको और आपके जो भी दूसरा कोई आर्टिस्ट रहेगा उसके लिए भी इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ये चीजें ध्यान में रखना। अब मुझे क्या करना है, जो हमने दूसरा वाला क्रिएट किया ना उसकी कंट्रोल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे वेयर को ऑन कर देंगे और फैशन को हाइड कर देंगे। तो देखो मेरा दोनों काम यहाँ पे हो चुका है। अब उसका क्या करेंगे, हम पोजिशन सिलेक्ट करते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नीचे। तो इट्स लुक बेटर, एक का साइज हमने बड़ा किया हुआ है, दूसरे का साइज छोटा है, ठीक है ना। तो ये और भी बेटर लग रहा है, जो मैंने पहले क्रिएट किया था उसके कंपेरिजन ये बहुत बेटर लग रहा है। अब एक फाइनल एनिमेशन प्ले करके देख लेते हो, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो प्ले होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप आपने जैसे देखा हमने जस्ट स्मार्ट वे से एक 3D टेक्स्ट फिट क्रिएट कर लिया है। अब इसका भी एक ट्यूटोरियल मैं आगे बनाने वाला हूं, तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। लाइक जरूर कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। गुड बाय।